तो यहां से शुरू करते हैं अपना फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है क्या? विजुलाइजिंग द नेशन। विजुलाइजिंग द नेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक। देखिए 18 और 19 सेंचुरी में ना आर्टिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि नेशन को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन है क्या? पर्सोनिफिकेशन होता है रिप्रेजेंटिंग नॉन ह्यूमन थिंग्स एज ह्यूमंस। भाई नहीं समझ में आया तो अभी समझाते हैं। देखो हम कहते हैं ना कि मेघ आए बड़े बंधन के, मेघ आए बड़े बंधन के, मतलब बादलों को हमने तुलना किसके साथ की थी? भाई दामाद के साथ, क्योंकि बोलते हैं ना बंधन के वही आते हैं। तो हमने बादलों को एक मानव का रूप दे दिया, इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देते हैं कि आप किसी डांस में गए, आपने वहां डांस जीता तो आपको एक ट्रॉफी दी गई, तो उसमें एक जो मूर्ति थी बनी हुई वो एक महिला के रूप में थी। महिलाओं में क्या होता है, वहां पर एक नृत्य की पोजीशन में आपको ट्रॉफी दी गई, तो वो एक तरह से क्या है, सिंबल है, वो रिप्रेजेंट कर रही है, उसी को बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो हुआ क्या, 18 और 19 सेंचुरी में ना फीमेल्स को एज एन सिंबल लिया, एज एन सिंबल यूज किया फॉर द पर्सोनिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्गी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी, ठीक है ना। ये सब सिंबल्स है किसके लिए, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी, जस्टिस न्याय, रिपब्लिक मतलब लोगों के हाथ में पावर, इन सब के बीच में वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आगे देखते हैं हुआ क्या, भाई आगे क्या हुआ, जैसे रेड कैप हो गया, ब्रेकिंग चेन हो गई, ये सब ब्रोकन चेन हो गई या रेड कैप हो गई, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जस्टिस या फिर लिबर्टी को। लिबर्टी के लिए रेड कैप एंड अ ब्रोकन चेन का यूज किया जाता है। जस्टिस के लिए हम किसका यूज करते हैं, भाई आपने पिक्चरों में तो देखा ही होगा, जस्टिस के लिए एक तरह से क्या है, एट्रीब्यूट्स है, सिंबल्स है, ठीक है। अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ विंग स्केल, तो ये किसके लिए यूज करते हैं भाई, जस्टिस के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से हम तलवार का यूज करते हैं, स्वॉर्ड का मतलब फाइट के लिए यूज करते हैं, और अरे राइजिंग सन करते हैं, राइजिंग सन किसके लिए यूज किया जाता है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। तो ये सब क्या थे, एक तरह से एट्रीब्यूट थे, सिंबल थे, किसके लिए, इन सब के, लिबर्टी, जस्टिस, फाइट, बिगनिंग ऑफ द न्यू एरिया, इन सब के लिए यूज किया जाता है, ऐसे बहुत सारे थे। तो आपको बस क्या याद रखना है कि भाई फ्रांस था ना, फ्रांस का उस समय एट्रीब्यूट या सिंबल क्या था, मैरेनी थे, क्या था, मैरेनी था, और जर्मनी का क्या था, जर्मेनिया था, जर्मनी का जर्मेनिया, फ्रांस का मैरेनी। तो आपको ये याद रखना है फटाफट से कि फ्रांस का मैरेनी था और जर्मनी का क्या था, जर्मेनिया था, ठीक है। तो ये हमारा था फिफ्थ टॉपिक, अब शुरू करते हैं सिक्स्थ टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो भाई नेशनलिज्म तो आपको पता है क्या होता है, अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार। तो नेशनलिज्म को पढ़ने के लिए हम एक कहानी देखते हैं, बेसिकली हम किसकी कहानी देखेंगे, बलकांस के बारे में। बलकांस अगर हम देखें आज के एरा के हिसाब से क्या क्या है, रोमेनिया, हंगरी, साइबेरिया, ठीक है, बुल्गेनिया, ये सब क्या थे, बलकांस के अंदर थे। सारे के सारा जो ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा बलकांस के अंदर था। तो हुआ क्या, ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे उस समय बलकांस के। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिसइंटीग्रेशन होने लगा ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि ये राज्य क्या थे, धीरे धीरे आपस में ही लड़ मिल रहे थे। ये चाहते थे कि हम एक दूसरे से आगे निकले और एक दूसरे की बाउंड्रीज को ये क्या करना चाहते थे, ऑक्यूपाई करना चाहते थे। तो वन बाय वन नेशनलिस्ट ब्रोक होते गए ऑटोमान एम्पायर से और अपने आप को डिक्लेयर करते चले गए इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये जो माहौल चल रहा था ना, तो इस माहौल में क्या हुआ, रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी और ऑटो हंगरी सब ने क्या सोचा कि हम बलकांस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, और बलकांस के ऊपर ये अपनी पावर दिखाना चाहते थे, मतलब अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहते थे। इसी को क्या बोलते हैं हम, इंपेरियलिज्म बोलते हैं भाई। इंपेरियलिज्म क्या है, एक्सटेंडिंग पावर विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसी चीज को हम इंपेरियलिज्म बोलते हैं, और इसी की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यू टू द इंपेरियलिज्म हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं भाई आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि मैनी कंट्रीज जो थी ना वर्ल्ड की, वो कॉलोनाइज थी, किसकी वजह से, यूरोपियन पावर्स ने इसको कॉलोनी में बांट रखा था अलग अलग। तो इन सब ने फिर क्या करा, अपोज करने लगे भाई इंपेरियलिज्म को, इन्होंने कहा हम विद्रोह करेंगे, हम
इंपेरियलिज्म को नहीं होने देंगे, तो बहुत लोगों ने विद्रोह करा और एक एंटी इंपेरियल मूवमेंट चलने लगा भाई, एंटी इंपेरियल मूवमेंट चलने लगा और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया एवरीवेयर एंड द पीपल डिमांडिंग नेशन स्टेट स्टार्टेड। तो इसी तरह से नेशन स्टेट की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो भाई यहीं पर होता है चैप्टर खत्म। तो पढ़ेंगे बस अब नया नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तो भाई अब चलते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर में तो हमने क्या करना है, नोट्स लिखने हैं, स्टोरी तो लिखनी नहीं है। तो फिर चलते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं और चैप्टर हो जाएगा यही कम्प्लीट। तो भाई आइए देखते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। नोट्स के अकॉर्डिंग भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि नोट्स हमने पेपर में नोट्स ही लिखने हैं। तो नोट्स में सबसे पहले देखेंगे विजुलाइजिंग द नेशन, यही टॉपिक हम कर रहे थे। पहली बात तो पिछले जो लेक्चर्स हैं उनके सबके नोट्स अपलोड हो गए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं, इसके भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएंगे। आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो विजुलाइजिंग द नेशन हमने पढ़ा के भाई, इट वॉज वेरी ईजी टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और द स्टैचू। लेकिन वहाँ के ये बहुत इजी था किसी एक रूलर को पोर्ट्रेट और स्टैचू की तरह रिप्रेजेंट करना, लेकिन वहाँ के जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने सोचा हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करेंगे। पर्सोनिफिकेशन है क्या भाई? पर्सोनिफिकेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एज इट इज अ लिविंग थिंग्स। आपने हिंदी में पढ़ा होगा मानवीकरण अलंकार, वही है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। तो नेशंस को कैसे पोर्ट्रेट किया गया? एज अ फीमेल फिगर। तो आपको याद रखना है क्या इंपॉर्टेंट, फ्रांस, फ्रांस का क्या था, मेरेनी, और जर्मेनिया किसका था, जर्मनी का, ठीक है। तो आपके दोनों याद रखने, फ्रांस का मेरेनी और जर्मनी का जर्मेनिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्गी भी बोलते हैं, ठीक है, एलर्गी भी बोलते हैं, हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक ग्रीडी, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एन एलर्जिकल स्टोरी हैज अ टू मीनिंग, वन इज लिबरल एंड वन इज सिंबॉलिक, ठीक है। अलग अलग एट्रीब्यूट्स अभी आपने देखे थे, ब्रोकन चेन किसके लिए यूज होता है, ब्रोकन चेन भाई फ्रीडम के लिए, क्राउन ऑफ द ओक लीव्स किसके लिए, हीरोइज्म के लिए, स्वॉर्ड किसके लिए, रेडीनेस टू फाइट के लिए, और ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड ये पीस के लिए यूज होता है, और रेड्स रेज ऑफ द राइजिंग सन बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा के लिए यूज होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था विजुलाइजिंग द नेशन। आप देखेंगे नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म तो आपको पता है अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जब 19th सेंचुरी हुई तो नेशनलिज्म धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में, तो एक नैरो ग्रिड बन गया विद लिमिटेड एंड्स। इसके बाद हमने देखा कि जो नेशनलिस्ट था वो यूरोप में 1871 के बाद एक एरिया पड़ा हमने अभी बालकांस, अगर हम बालकांस आज देखें तो उसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं, तो ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, और ये किसका रीजन था, जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस का, बहुत ज़्यादा जियोग्राफी एंड एथनिक वेरिएशंस थी वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, रोमांटिक नेशनलिज्म जो था बालकांस में और डाउनफॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इस रीजन, इस कारण की वजह से वहाँ का जो एरिया था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गया, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट थे जो स्ट्रगल कर रहे थे अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो इस वजह से बालकांस वहाँ पर क्या हो गया, एक एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट हो गया, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर जितने भी स्टेट्स थे वो एक दूसरे से क्या करते थे, जलते थे, राइवलरी मतलब जलन एक दूसरे में, ठीक है। तो वो एक दूसरे के ट्रेड और कॉलोनीज लेना चाहते थे, इससे बहुत ज़्यादा वॉर्स हुए और फाइनली वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ 19th सेंचुरी वर्स कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर, तो वो बिग यूरोपियन पावर से जो कंट्रीज कॉलोनाइज थे वो क्या करने लगी, अपोज करने लगी इंपेरियल डोमिनेशन की तरफ। तो हुआ क्या भाई, तो हुआ क्या, एक एंटी इंपेरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर डेवलप होने लगा नेशनलिज्म और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की मांग होने लगी और पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में नेशन स्टेट्स की डिमांड हो गई। यहीं के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नई कहानी और एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।